ओहो कंचन, बंद कर ये घड़ियाल। अरे बंद कर। अच्छा क्या बंद कर दिया? अरे आधी रात को खुद भी उठ जाती है, मुझे भी उठा देती है। आधी रात कहाँ, 5:45 बज गए। तो क्या हुआ भाई, क्या जरूरत है इतनी जल्दी उठने की? हा? इस बात का जवाब तुम जानते हो, फिर रोज रोज क्यों पूछते हो? सॉरी यार कंचन, सॉरी। तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? तुमने तो कुछ नहीं किया। सब मेरी वजह से है कंचन, सब मेरी वजह से। जो मैं भी भाई साहब की तरह पढ़ लिख कर कंपाउंडर बन गया होता तो खूब पैसा कमाता, और तुम्हारी भी वही इज्जत इस घर में होती जो भाभी जी की है। क्या करूं, मेरा दुर्भाग्य, पापा अचानक नहीं रहे। बड़ी मुश्किल से भाई साहब की 6 महीने की बची पढ़ाई तो पूरी हो सकी, और मेरी, खैर छोड़ो। कंचन एक कप चाय पिलाना। अच्छा रहने दो, मैं वही आ जा पीता हूँ। अच्छा ठीक है, सुमी को ढक देना नहीं तो ठंड लग जाएगी। अच्छा। जल्दी आना। अरे कंचन जरा अखबार तो लाना। नीरज अखबार राखी पढ़ रही है। भाई साहब भाभी दिन भर घर में होती है, अगर दिन में अखबार पढ़ेंगी कोई मांगेगा थोड़ी? अरे हमें तो ऑफिस जाना है। हाँ नीरज, लेकिन अखबार पढ़ने का मजा तो सुबह ही होता है। वैसे भी पोस्ट ऑफिस जाने की जल्दी में सिवाय सुर्खियों से ज्यादा और तुम पढ़ोगे भी क्या? भाभी अभी आपने कहा ना अखबार पढ़ने का मजा सुबह होता है। यार सुबह सुबह बहस क्यों कर रहे हो, ऐसी बात है एक न्यूज़पेपर और लगा लो। मम्मा देखो ना, इसकी डबल रोटी में जाम है और मेरी में नहीं है। कंचन क्या है ये, सुबह सुबह क्यों बच्चे को रुला दिया, जरा सा जैम? भाभी जरा सुमी की ब्रेड देखिए, उसके लिए जरा सा भी मक्खन नहीं बचा, तो बहलाने के लिए मैंने थोड़ा सा जैम। भाभी ये देखिए, इसने मुझे भी सूखा टोस्ट दिया है। तुम लोग जतलाना क्या चाह रहे हो? हाँ सारा मक्खन हम लोग खा जाते हैं। सुन लीजिए माता जी, अब तो हमारा खाना पीना भी गिना जाने लगा है, समझा लीजिए इन लोगों को, नहीं तो हम अपनी रसोई अलग कर लेंगे। भाभी कंचन क्या हुआ तुम्हें, जरा देखो। अरे तुम्हें तो बुखार है, चलो चलो आराम करो, मैं तुम्हें बाम लगा देता हूँ। ये सुनो, चार छींक के आई बिटवा जी बीवी को लिवाने आ गए। अरे बेटा हम लोग भट्टी से बुखार में 20 जन के कुनबे का धंधा पीटते थे अकेले। वो आप जाने माता जी, कंचन इस घर में अकेली नहीं है, भाभी भी तो है। वो रसोई में नहीं झांकती ना सही, पर अगर कोई बीमार हो क्या तब भी? माँ बेटे उसके घर में 4-4 नौकर हैं, पानी का गिलास तक तो लेके उसने कभी पिया नहीं, वो बेचारी रसोई में क्या करेगी? वाह माता जी वाह, आज मुझे पापा की एक बात याद आ रही है। पापा कहते थे बेटा पैसे में बड़ी ताकत है, उसी से इज्जत है, जय जयकार है। इंसान नहीं माँ, इंसान नहीं, पैसा बोलता है पैसा। कंचन तुम काम खत्म करके आ जाना। बस करो, बस करो। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? हाँ पर क्यों आदतें बिगाड़ रही हो मेरी? तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे अलावा मेरा इस संसार में। चुप चुप, सब पता है मुझे कंचन, सब पता है मुझे। इसलिए तो कोशिश करता हूं कि तुम्हें इतना प्यार दूं कि सारे रिश्तों की कमियां पूरी कर दूं। हाँ पैसे कंची, ये तो सच है कि पैसे से मजबूत होने के लिए हमें
कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, है ना? इसलिए सोचता हूँ कि कभी कि मैं यदि कंप्यूटर का कोर्स कर लूँ तो कहीं पार्ट टाइम की नौकरी मिल जाएगी। वैसे हमारी सुम्मे भी अभी बड़ी हो रही है, उसके बारे में भी तो हमें कुछ सोचना है ना। मैंने तो तय कर लिया कि अगले साल तुम्हें फॉर्म भरवाकर मैट्रिक की परीक्षा दिलवा दूं। तुम मेहनत करोगी तो इतने सपने मत दिखा कि आंखों में नींद की जगह ही ना रहे। नहीं कंचन, ये सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, हकीकत बनेंगे। हाँ कंचन, मुझे सुम्मी को उस हालत से गुजरते नहीं देखना जिस हालत से तुम गुजर रही हो। हम उसे उच्च शिक्षा दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि जब लोग ये कहेंगे वो देखो सुमन शुक्ला के माँ बाप जा रहे हैं, तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। हाँ, ऐसी ही बातें मौसा मौसी भी किया करते थे मेरे लिए। मौसा मौसी से मिले काफी समय हो गया। कल रविवार है, चलें? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक रहे तो। इसमें हंसने की कोई बात नहीं और आप तो बिल्कुल ही नहीं हंसेंगे। अच्छा जी। कंचन से कहिए कि ये सुम्मी को लेकर यहाँ रहेगी मेरे पास पूरा एक हफ्ता। पर मौसी, मैं माताजी को, मतलब उन्हें तो ये तक नहीं पता कि हम यहाँ आए हैं, और फिर मैं यहाँ रुक गई तो घर का काम। क्यों, तेरी जेठानी नहीं है क्या? और फिर तेरी सास भी तो इतनी बूढ़ी नहीं हुई। देख, मैं घर का काम नहीं करती क्या? और हाँ, मैंने पता लगाया है कि मैट्रिक के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर है, अभी 1.5 महीना बाकी है। देख नीरज, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, अब तो सुमी भी बड़ी हो गई है। हाँ बेटा, मिसेस जोशी की एक ही बात से मुझे इनसे प्यार हो गया था। पढ़ाई की तरफ खुद के झुकाव से भी ज्यादा दूसरों को उससे होने वाले फायदों की जानकारी देना। पर अपनी कांची तो आपका दोषी हूं मौसा जी, पर अब मौसा जी वही होगा जो मौसी कह रही हैं। शिक्षा सोच के कितने दरवाजे एक साथ खोल देती है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। अरे हम सुमे के जूता लेने यहां आए थे, अचानक इस तरफ मुड़ पड़े, अब घर पे माँ फिक्र कर रही होंगी। इसका मतलब है तुम इसको मेरे पास नहीं छोड़ के जाओगे? अब आपकी बेटी है मौसी, जरा राखी जन्माष्टमी वगैरह निकल जाए तो ये यहाँ रह भी लेगी और फॉर्म वगैरह भी भर लेगी। अच्छा मौसी, मौसा जी अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा बेटा, दादी हम लोग आ गए। अच्छा, खाली तैयार हो गई जी। माता जी, मैं भाई साहब के यहाँ जा रही हूँ, मेयर पवन, ये हॉस्पिटल से ही पहुँच जाएंगे। भाभी, दीदी उन लोगों को राखी बांधने आ रही हैं, वो इस साल अपने ससुराल आई हुई हैं, उनका फोन आया था। अच्छा, तो शकुंतला तुम्हें फोन कर सकती है, मुझे नहीं। ठीक है, नीरज बंधवा लेगा राखी और तुम कर देना उसकी खातिरदारी। पर बहू, माता जी आप तो चुप ही रहे तो अच्छा है। पर इन बच्चों को तो राखी बांध लेने दो, हमें देर हो रही है। मम्मी, पहले मैं सुम्मी से राखी बंधवाऊंगा, फिर बुआ से। आपको जाना है तो आप जाओ। बहू, क्यों त्योहार वाले दिन बच्चों को रुलाकर अपशगुन कर रही हो? अरे पहले घर में तो राखी हो जाए, फिर वीरू और पप्पू को लेके मैं के चले जाना। और घंटे भर में तो वीरू, नीरज और शकुंतला सभी आ जाएंगे। चुप मेरे बेटा, नौ आएगा। हेलो जी भाई सर, भाभी? हाँ है। हेलो। हाँ, तुम अभी तक निकले नहीं क्या? आज याद है ना राखी है, जल्दी करिए। क्या क्या कह रहे हो तुम? अच्छा अच्छा, ठीक है। बहू क्या बात है? माता जी, इन्होंने हमें हॉस्पिटल में बुलाया है। क्या हुआ भाभी? सवाल जवाब का समय नहीं है, जल्दी करिए। चलो बेटा,
मुझे तो आज सुबह अखबार में पढ़कर मालूम पड़ा। हाँ मौसा जी, मैंने खबर देने के लिए मना किया था, मौसा जी को पता चलता तो। बेटा, अखबार तो मैंने भी छिपा लिया था, मगर क्या ये हमने ठीक किया? इतनी बड़ी बात उससे छिपा ली, जब वो जानेगी तो उसको कितना दुख होगा। क्या वो हम सबको माफ कर पाएगी? और बेटा, वैसे भी अब हमें तेरी बड़ी फिक्र रहती है। लीजिए, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या पूछा था तुमने? मैंने पूछा था कंचन और सुन्नी का क्या करना है। अरे भाई, क्या हो सकता है, तुम्हें बताओ। मेरा मतलब था कि इन दोनों को पालने का ठेका हमारे ही है क्या? माँ क्या कहती है इस बारे? माँ ने क्या कहना है, पैसे तो हमारे खर्च होते हैं ना, तो हमें ही सोचना है इस बारे में। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं भी उनकी जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहता हूं, पर छोटे भाई की पत्नी और उसकी बच्ची को घर से बाहर कैसे निकाल दूं? मैं तो कहती हूं उसे उसके मौसा मौसी के यहां भेज दो। हम क्यों भेजें उसे? दुखी होगी, खुद चली जाएगी। वो यहां रहकर दुखी होगी क्यों? जिसे मुफ्त में रोटी कपड़ा खाने को मिलेगा, उसे क्या परेशानी हो सकती है? तो ठीक है, जब तक वो यहां रहती है उसके हर खर्चे पानी में कमी कर दो, खुद चली जाएगी। वो तो मैं कर देती हूं, लेकिन मुझे इन माँ बेटे के बारे में कोई पक्का फैसला चाहिए। मैं इन्हें अब ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करूंगी। माता जी, चाय। माता जी, जरा कंचन से कहिएगा कि मेरी चाय मेरे कमरे में ही दे जाए। अच्छा बहू, जा। माता जी, अभी मुझे सुमी को भी जगाना है और उसे दूध पिलाने के बाद। अगर 5 मिनट चाय देने में लग गए तो तेरी बेटी के वक्त में कौन सी कमी आ जाएगी? जा दूध ले ले। जा ना। राम राम छोटी बहू। राम राम। भैया, आधा लीटर दूध और डालो ना। बहू जी, बड़ी बहू ने दूध कम करने को कहा है। अच्छा राम राम। ठीक है। माँ जी, भाभी ने दूध कम करवा दिया है। अब वीरू बेचारे अकेले की कमाई है, क्या क्या करेगा वो इसमें? पर माँ जी, सुमी को दिन में 2 बार दूध देने के लिए भाई साहब ने ही कहा था। कहा था दूध में कैल्शियम होता है। पता है, जो कि दूध में ही मिलता है, पर दूध आए कहाँ से? बहू जी, बड़ी बहू ने दूध कम करने को कहा है। पर माँ जी, सुमी को दिन में 2 बार दूध देने के लिए भाई साहब ने ही कहा था। कहा था दूध में कैल्शियम होता है। पता है, जो कि दूध में ही मिलता है, पर दूध आए कहाँ से? अब वीरू बेचारे अकेले की कमाई है, क्या क्या करेगा वो इसमें? तो जितना रोना था रो लिए, अब कस के अपने आंसू पोंछ डाल बच्चे। देख कंची, आंसू भरी आंखों से कुछ सोचता नहीं, और फिर तुझे तो नीरज के हिस्से का भी देखना है। सुनिए जी, वैसे तो कंची के लिए इस घर में कोई कमी नहीं, इतना है कि आराम से जिंदगी कट सकती है। पर जैसे इसमें अभी अभी बताया कि नीरज क्या कहता था,
क्या सोचता था, इसके लिए तो कंची को ही कुछ करना पड़ेगा ना। बताओ, इसे कोई रास्ता सुझाओ। मिसेस जोशी, समस्या तो है, पर अगर ये लड़की हिम्मत करे तो। बताइए मौसा जी, मैं क्या करूं? देख, नीरज पोस्ट ऑफिस में क्लर्क था, उसके ऑफिस में तुझे नौकरी मिल सकती है, बशर्ते कि तू मैट्रिक पास कर ले। बस यूं समझो जी, इसने मैट्रिक कर ली, बस आप अपना काम कीजिए। पर मौसी, क्या मेरे घर वाले मुझे काम करने देंगे? देख कंची, या तो जिंदगी भर अपने नाम के रिश्तेदारों की गुलामी कर, या हिम्मत से खड़ी होकर जिंदगी का मुकाबला कर। अरे जब ये निजम है कि सरकारी कर्मचारी के निधन पर उसके आश्रित को नौकरी मिल सकती है, तो उसका लाभ क्यों नहीं उठाती? चलो ये तो बाद की बात है, मैंने इनसे तेरे लिए फार्म मंगवाया था, इसे भर। सुमी, तुम कॉपी पे क्यों नहीं लिख रही? एक बात पूछूं मम्मी? हाँ बेटा पूछ। मम्मी, क्या पापा अब हमें कभी नहीं मिलेंगे? नहीं बेटा, पापा तो हमेशा हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं, पर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? वो भले ही हमें ना दिखाई दे, पर वो हमें देख रहे हैं। क्या वो मुझे भी देख रहे हैं? हाँ, वो अपनी प्यारी सुमी को देख रहे हैं, पढ़ते लिखते बड़ा होते वो सब कुछ देख रहे हैं। पर वो मुझे क्यों देख रहे हैं? वो देख रहे हैं उनकी प्यारी सुमी जैसा वो चाहते थे वैसी बन रही है या नहीं। मम्मी, फिर जैसे पापा चाहते थे वैसा मुझे बनाओगे ना? हाँ बेटा, मैं तुझे वैसा ही बनाऊंगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। पर सुन, तुझे भी बहुत मेहनत करनी होगी मेरी बच्ची, तुझे खूब पढ़ना लिखना होगा, बड़ा आदमी बनना होगा। बनेगी ना? मेरी प्यारी बेटी। सुनो जी, मुझे तुम्हारे ऑफिस में काम मिल गया है, डाक छाटने का। अब मैं तुम्हारी सुमी को वैसे ही बड़ा कर सकूंगी जैसा कि तुम चाहते थे। बहू, आज तो कमरे से बाहर ही नहीं निकली। नहीं माँ जी, मैं तो बाहर ही थी, चाय बनाई, नाश्ता बनाया, बच्चों को बस में बिठाया। और अब तब भी तो मैं आई हूँ, आज तो खाना भी नहीं चढ़ा। और ये क्या, तुझे देखकर तो लग रहा है तू कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही है। मैं अभी आपके पास आने ही वाली थी माँ जी। माँ जी, मुझे इनके ऑफिस में नौकरी मिल गई है। क्या, तू नौकरी करेगी? हमारी बहू नौकरी करेगी? अरे अरे वीरो, बड़ी बहू जरा सुनो तो। क्या हो माँ जी? क्या कह रही है ये? ये कहती है कि दफ्तर में काम करेगी। क्यों भाई, ये नौकरी की आड़ में क्या करने की सोच रही हो तुम? खबरदार भाभी, इसके आगे एक शब्द भी कहा तो। ओहो, बड़ा जोश आ गया आवाज में। रागी ठीक कह रही है, लेकिन बिना मैट्रिक पास किए हुए तुम्हें कोई चपरासी रखने वाला नहीं है। शायद तुम लोगों को मालूम नहीं कि मैंने मैट्रिक कर ली है। ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट, और ये रहा मेरे पोस्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेटर। ओहो, देखा माता जी, भीतर ही भीतर सारी तैयारियां चलती रही और हमें भनक तक नहीं मिली। अरे ये तो हमें बेच के खा जाएगी। देखो कंचन, अब तुम्हें नौकरी का सहारा भी मिल गया है, और तुम पहले से कहीं ज्यादा समझदार भी होगी हो। तुम अब ऐसा करो, अपना और अपनी बच्ची का कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। नहीं भाई साहब, ये इनका भी घर है, मैं इनके नाम से बंधी हूँ। इस घर के अलावा, तुम लोगों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। नहीं, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, अभी तक जरूरत नहीं समझी इसलिए तुम्हें बताया नहीं। इसे तो पापा
इनके नाम लिख गए हैं। पर बहू, तेरे ससुर ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। माताजी, बताने का मौका नहीं मिला होगा, पर ये सच है। और हाँ, तुम्हें भी आज हम साफ साफ बता रहे हैं। फिर भी हम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि तुम चाहो तो एक दो महीने यहाँ रह सकती हो, फिर तुम्हें तनख्वाह मिलने लगेगी और ऑफिस में भी कोई दोस्त वोस्त तो बन ही जाएंगे। उनकी मदद से अपने लिए कोई भी किराए का घर देख लेना, समझी? चलिए जी। अरे नमस्ते नमस्ते जी, तेरे बेटा। अरे मिसेज जोशी, देखो तो सही, कौन आया भाई? कौन है? अरे मेरी शुम्मी। अरे बस 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 भाई, एक गाल मेरे लिए भी छोड़ दो, सारा ही मीठा गुदप कर दोगी। अजी नहीं, आप ही सारा कर लो, मैं तो अपनी बिटिया को अंदर लेके जा रही। आ बेटा, आजा, अब नाना से बात करेगी। अरे बेटा, अब तो तू मेरे पास यही रह जा। नाना जी, फिर मम्मी घर में अकेली रह जाएंगी ना, घर में सब मम्मी को डांटते रहते हैं, कभी कभी मम्मी तो खाना भी नहीं खाती, फिर मैं कहती हूँ मैं भी नहीं खाऊंगी, तब खा लेती है। बेटा तू ठीक कहती है, अब तो बेटा तू ही उसका सहारा है। जी जी जी, ऐसा कहा तेरी जेठानी ने, लगता है मुझे खुद ही जाकर ना उन सबको ठीक करना पड़ेगा। नहीं मौसी, आप भाभी को नहीं जानती, सारे घर को मैके के पैसे के जोर पर अपनी तरफ कर रखा है उन्होंने। देख, मायके का पैसा तो मायके में ही रह जाएगा, वो क्या तेरी जेठानी अपनी सास को लाके देगी? और एक बात और सुन बेटा, जो चुप रहता है ना उसे कमजोर समझकर दबा लिया जाता है, और अब तू कमजोर नहीं है, तेरे हाथ तो नौकरी है। हाँ, अगर वो तुझे घर से बाहर ही निकालना चाहते हैं तो बात। कौन निकालेगा भाई, किसे निकालेगा? अजी इसका जेठ कहता है कि इनके वाला मकान इसके ससुर ने इसके जेठ के नाम कर दिया है, इसलिए ये बेहतर है कि कहीं और ठिकाना बना ले। बाहर आओ तुम लोग जरा। ठीक है वकील साहब, आपने जो हमें जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जरूरत पड़ी तो मैं आगे भी आपको कष्ट देता रहूंगा। जी क्या हुआ? क्या होना था, मुझे पहले ही पता था क्या बात करेगा वकील। ये तो कांची का मन रखने के लिए मैंने उससे टेलीफोन पे बात कर ली। पुश्तैनी जायदाद, या जिसे तुम अपनी दादालाई संपत्ति भी कह सकते हैं, इसमें सभी पोते पोतियों का बराबर का अधिकार होता है। हाँ। सभी का बराबर का हिस्सा होता है। और ये जो तुम्हारा मकान है, ये वीरेंद्र के पिता यानी तुम्हारे ससुर के बनाया हुआ नहीं है, अरे ये तो उनके दादालाई संपत्ति है। अच्छा। हाँ, इसमें वीरेंद्र और नीरज का बराबर का हिस्सा है। वाह। और नीरज का हिस्से का मतलब है हमारी बेटी का हिस्सा। बिल्कुल। ठीक है बिटिया, तू घबरा मत, मैं इस बात की पुष्टि के लिए तुझे कानून का वो नुक्ता बता दूंगा जिसमें बात सब साफ साफ लिखी है। अरुण, इसे थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ, इधर ही। राजेश, इसको यहाँ लगा दो। हाँ अरुण, इसे थोड़ा सा ऊपर। हाँ यहाँ अच्छी लगेगी ना। हाँ हाँ ठीक है, इतना। हाँ वो ठीक है। हाँ अरे क्या हो रहा है, ये सब लोग कौन है जो मेरे सामान को हाथ लगा रहे हैं? भाभी, ये सब लोग मेरे ऑफिस के हैं, मेरी मदद के लिए आए हैं। कमलेश, झालर लगाना। एक मिनट, ये सब करने से पहले तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी। अपने ही घर में अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने की इजाजत? बड़ों से जुबान लड़ाती हो, तुम्हें बिल्कुल तहजीब नहीं। तुम्हें पहले भी साफ साफ समझाया जा चुका है, ये घर मेरा है, सिर्फ मेरा। नहीं भाई साहब, ये घर मेरा भी उतना है जितना कि आपका। कंचन, नीचे आवाज में बात करिए भाभी, और सुनिए,
अब मैं घर की चार दीवारी के बाहर की दुनिया भी देख चुकी हूँ और आगे भी मेरी पढ़ाई जारी रहेगी। शिक्षा की रोशनी में मैं बहुत सी धुंधली बातें साफ साफ समझने लगी हूँ। माता जी, आप भले ही मेरा साथ ना दें पर शायद झूठ नहीं बोलोगी, वो भी अपनी पोती के जन्मदिन के रोज। ये मकान पुश्तैनी जायदाद ही है ना? हाँ, तो ये सिर्फ भाई साहब का कैसे हो सकता है? कानून के हिसाब से भाई साहब और भाभी आप भी सुन लीजिए, इस प्रॉपर्टी में मेरा भी बराबर का हिस्सा है। कल वकील साहब आएंगे, सब कुछ लिखित रूप में सामने कर देंगे, फिर आपकी मर्जी, आप इसमें दीवार खींचना पसंद करेंगे या जैसा है वैसा रहने देंगे। कमलेश और बोर्ड लगाएं।